अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। मॉल रोड हम लोग जा रहे हैं, तो आप देखिए व्यू देखिए यहाँ का, सिर्फ धुआं ही धुआं है, कुछ भी कहीं नहीं नजर आ रहा। जब हम लोग ऊपर आ रहे थे उस टाइम यहाँ पे पूरा घर दिख रहा था, बट अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं भी जैकेट पहन के रेडी हो चुकी हूँ, बहुत ठंडा लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा स्टाइल दिखाने के लिए मैंने टॉपी नहीं पहना है। वहाँ पे दी लोग देखिए, दी जीजा फोटो ले रहे हैं। यहाँ का व्यू देखिए, बहुत एकदम सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आएगा, कुछ भी नहीं नजर आएगा। देखिए मेरे पीछे आप क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे देखिए। तो हम लोगों का होटल तो बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए हम लोगों को मार्केट जाने के लिए बहुत ज़्यादा नीचे उतरना पड़ रहा है, और रास्ता इतना इंटरेस्टिंग है ना, नीचे उतरने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बट हाँ ऊपर आते टाइम हम लोगों का पैर का बैंड बजने वाला है। तो फिलहाल तो हम लोग मॉल रोड जा रहे हैं, तो देखिए रास्ते में यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रीट फूड मिला हम लोगों को, ये सारा नॉन वेजिटेरियन है यहाँ पर। तो अभी बहुत कोई मतलब ये भी स्टॉल लग ही रहा था, मोमोज था, नौया था, चिकन पकौड़ा और भी बहुत सारा कुछ था। तो अभी तो हम लोग मार्केट ही जा रहे हैं, अभी बस मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा भीड़ है मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा सुंदर सुंदर स्वेटर मिला हम लोगों को, बट प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा हाई था, बट अच्छा था, क्वालिटी बहुत अच्छा है यहाँ का। उसके बाद वैरायटी बहुत सारा आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं मॉल रोड, तो यही है मॉल रोड जहाँ पे दार्जिलिंग आने के बाद जहाँ सब कोई फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। यहाँ पे बैठने का जगह है, यहाँ पे आगे भी बहुत कुछ है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारा शॉप है, आपको टी शॉप मिल जाएगा, कपड़े का शॉप है बहुत सारा। तो देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। यहाँ पे ये देखिए सामने में शो पीस था, बहुत अच्छा अच्छा आप अपने घर के लिए लेके जा सकते थे। उसके बाद टी शॉप था जहाँ पे बहुत वैरायटी वाला टी मिलता है। देखिए यहाँ के डॉगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब इतना हेल्दी, वैसा डॉगी अगर हम लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे, बट वहाँ पे ना स्ट्रीट डॉगी वैसा था, पूरा हेल्दी, सबका हेयर बहुत ही लंबा लंबा, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग जहाँ भी जाते थे हर जगह डॉगी का फ़ोटो लेते थे। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा है और बहुत ही यहाँ पर क्राउड था यहाँ पर ऊपर में बैठने के लिए। हम लोग बैठ के यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे सामने में एक न्यू मार्केट ओपन है, मतलब शायद कुछ दिनों के लिए एग्जीबिशन जैसा लगा हुआ है, तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक जब से मैं आई हूँ तब से मुझे बस हर जगह टी का शॉप मिल रहा है, उसके बाद विंटर कलेक्शन मिल रहा है, जो भी हो स्वेटर हो श्रग हो शॉल हो वही सब मिल रहा है। तो देखिए रास्ते में यहाँ पे एक लड़का बैठ के गाना गा रहा है, तो यहाँ पे किसी डोनेशन के लिए प्रोग्राम हो रहा है, जितना भी यहाँ पे पैसा मिलेगा इनको ये कहीं पर डोनेट करने वाला है, तो उसी के लिए था, तो अच्छे काम के लिए था, और लड़का गा भी बहुत अच्छा रहा था। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू मार्केट, सुने हैं यहाँ पे भी बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा विंटर का, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बड़ा सा सरस्वती माता का स्टैचू है, तो यहाँ भी हम लोग गए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा फ़ोटो क्लिक करवाया। तो देखिए मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, मार्केट अच्छा बड़ा था, हमको लगता है मिनिमम 100 शॉप तो होगा यहाँ पर मिनिमम, हाँ क्योंकि हम ध्यान नहीं दिए, काउंट नहीं किए हम। यहाँ का शॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर था और प्राइस भी अच्छा था, वो लोग मतलब डिस्काउंट दे रहे थे। तो हम लोगों ने यहाँ से एक स्वेटर लिया और एक शॉल लिया, और उसके बाद जो मॉल रोड है वहाँ पे भी बहुत सारा शॉप है, तो अभी हम लोग वहाँ पे भी ख़रीदेंगे। बट यहाँ पे मैंने शॉल लिया है, मैंने वो वीडियो में रिकॉर्डिंग नहीं किया, बट मैं बाद में दे दूँगी आप लोगों को। तो देखिए स्टॉल का कलेक्शन तो और भी ज़्यादा अच्छा अच्छा था, अच्छे हैं यहाँ के लोग, ये लोग अगर आप वहाँ पर जाओगे तो ये लोग खुद डिस्काउंट दे देते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे मार्केट करने के बाद हम लोग फिर रिटर्न आ रहे हैं मॉल रोड। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को मिला आई लव दार्जिलिंग, बट यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो नहीं क्लिक किया। तो देखिए जाते जाते इधर अब अंधेरा हो रहा है, बट हम लोग जहाँ जहाँ से आए, हम लोग अपने होटल से जब 5 बजे ही निकले थे उस टाइम भी वहाँ पे बहुत अंधेरा था, बट यहाँ पे धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, तो लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पर देखिए एक और होटल है। तो फिलहाल हम लोगों को लग चुका है भूख, हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा था। तो सबसे पहले तो मैं जाके चाय पीऊँगी।
तो देखिए हम लोग रिटर्न मॉल रोड आ चुके हैं। अब यहाँ पे जाके देखते हैं कि खाना क्या है। बट सबसे पहले चाय ढूंढ रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह चाय मिल रहा था, तो देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बट हम लोग अभी उधर गए नहीं, तो जाके देखते हैं उधर। पहले तो यहाँ पे गर्मा गर्म भुट्टा मिल रहा था, तो हम लोग सोचे कि चलो पहले भुट्टा खा लेते हैं। फिर यहाँ पे ना झाल मुड़ी बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से बना रहा था, मतलब एकदम न्यू, हम लोग जैसे खाते वैसा नहीं था। तो हम लोग झाल मुड़ी खाएंगे, उसके बाद भुट्टा खरीदेंगे। बट आपको पता है यहाँ का भुट्टा का प्राइस कितना है? एक भुट्टा का प्राइस है 40 या 50 रुपीज़ था। तो देखिए हम लोग पहले भुट्टा खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मार्केट का रास्ता है, यही मेन मार्केट है, मॉल रोड का जो फेमस मार्केट है वो यहीं पे है। बट इतना ज़्यादा कंजेस्टेड है वहाँ पे, इतना ज़्यादा कि हम वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग ही नहीं किए। जब हम लोग गए तो मतलब सांस लेना भी मुश्किल है, इतना ज़्यादा क्राउड, मतलब गली बहुत ही छोटा और दोनों साइड शॉप, उसके बाद उसमें उतना सारा लोग, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पर यहाँ पे देखिए पूजा ये क्या खा रही है, ये एक ना मतलब जैसे हम लोग खाते हैं ना मालपुआ खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही था, बहुत बड़ा और बिल्कुल वही टेस्ट था, बट हम लोग का ज़्यादा मीठा होता है और ये ज़्यादा मीठा नहीं था। तो देखिए रात के टाइम का नज़ारा देख लीजिए। अब हम लोग अपने होटल जाने वाले हैं, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा थक गया है। आज ही हम लोग उतरे हैं, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद हम लोग रील्स बनाए, वीडियो बनाए और इधर घूमने चले आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीचे है हम लोगों के होटल से। तो आते आते सबका हालत ख़राब है, अभी सबको टेंशन लग रहा है कि सब जाएंगे कैसे। तो देखिए रात का नज़ारा, ये ऊपर से कितना नीचे लग रहा है ना, कि नीचे सारा तारा नीचे चला गया है आसमान से उतर के। तो ये देखिए हम लोग अपने होटल जा रहे हैं, आज तो नींद बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए होटल पहुंचने के बाद हम लोगों का डिनर पहले से ही रेडी था, तो हम लोग बैठ गए खाने के लिए। यहाँ पे जीजा जी निकाल रहे हैं, दोनों जीजा सबको खाना सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे दाल चावल, एक सूखी सब्जी थी पता नहीं किस चीज़ की, और एक भुजिया था, वो भी किस चीज़ का था पता नहीं चला। उसके बाद सैलेड, पापड़ और अचार था। तो हम लोग बहुत थक गए, तो मैं जा रही हूँ जल्दी से खाना खा के सोने के लिए। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।